जी हाँ, जितना सुंदर उनका संगीत उतना ही सुंदर नाम। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूं? लीजिए सुनिए ये गीत, उनके शुरुआती दौर का गीत, और आप अगर पहचान सकते हैं तो गायिका को भी पहचानिए और अटकलें लगाइए कि हम किस संगीतकार के बारे में बातें करने वाले हैं। से कई लोगों ने, यानी हमारे श्रोताओं में से कई लोगों ने पहचाना कि ये है वसंत देसाई जी, और गायिका थी जयश्री, यानी पर्दे पर भी वही और खुद ही गा रही थी। फिल्म का नाम दहेज। तो जैसा खूबसूरत नाम वसंत, वैसा ही खूबसूरत उनका संगीत। एक बेहद गुणी एवं निष्ठावान संगीतकार जिन्होंने अपना सारा जीवन मानो संगीत की सेवा में ही समर्पित कर दिया। उनके जो गीत हैं उनमें अद्भुत मिठास भी है और शास्त्रीय राग रागिणियों की गहरी छाप भी। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन उनमें हुनर इतना था, लगन इतनी कि संगीत और रंगमंच की दुनिया में उन्होंने धूम मचा दी। आगे चलकर बाकायदा उन्होंने संगीत की तालीम भी हासिल की, लेकिन
जीवन में बहुत संघर्ष किया और तब जाकर वो उस मकाम पर पहुंचे जहां से मानो एक श्रेष्ठतम म्यूजिक डायरेक्टर का उनको अगर खिताब दिया जाए, पद्मश्री तक उन्हें मिला, तो ये उनके संघर्ष का ही नतीजा था। तो बहरहाल एक और गीत उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ, फिल्म का नाम तूफान और दिया। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। जग में जोत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका फिर भी बुझ ना सका, उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से, बार 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 कर अंत में हार कर तूफान भगा दे मैदान से। जी हम बात कर रहे हैं वसंत देसाई की, और इनकी खासियत ये रही कि इन्होंने धीरे धीरे करके मानो कितने ही क्षेत्रों में महारत हासिल की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चौथी कक्षा तक ही पढ़ाई की, और बाद में वे कोल्हापुर पहुंचे और वहां पर प्रभात फिल्म कंपनी जो शांताराम जी चलाते थे उसमें 17 साल की उम्र में वे पहुंच गए। दिल में तो अलग ही अरमान थे एक्टर बनने के, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र भी किया कि शांताराम जी यानी जिन्हें वे अन्ना साहब कहते थे, उनके साथ उनकी कैसी मुलाकात रही और क्या उन्होंने पेशकश की अन्ना साहब के सामने। कहते हैं कि एक दिन मैं जाकर उनके सामने खड़ा हो गया, कहा मुझे एक्टर बनना है, बाल बढ़ाकर पहुंचा, लंबे लंबे बाल जिनको डायलॉग बोलते वक्त झटके से आंखों तक लाया जा सके, मगर मैं दुबला पतला और छोटे कद का था, जबकि वह स्टंट का जमाना था, ऊंचे कद के पहलवान हुआ करते थे।
छोटे आदमी का तो काम ही नहीं था। अन्ना साहब ने पूछा, कैसा काम चाहते हो? मैंने गर्दन हिलाकर बाल दिखाए और कहा, एक्टर। तो अन्ना साहब ने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा और फिर सोचा कि लड़का पागल है। फिर उन्हें मुझ पर दया आ गई, कहते हैं वसंत जी, और कहते हैं कि अन्ना साहब ने कहा, रख तो लेता हूं पर सब काम करने होंगे। और यकीन मानिए, वाकई में उन्होंने एक साल बिना किसी पगार यानी बिना किसी पेमेंट रेम्यूनरेशन सैलरी के उन्होंने काम किया और तरह तरह के काम किए। वैसे तो वे एक्टिंग डिपार्टमेंट में थे, फिर भी उन्होंने सेट्स पर फर्नीचर तक उठाया और म्यूजिक डिपार्टमेंट में मदद की, यंत्रों की यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जांच की। तो जितने और जो भी काम बोले गए वो किए, यहाँ तक कि शांताराम जी के वे ऑफिस बॉय भी रहे। और लगभग एक साल तक परिश्रम करने के बाद जाकर उन्हें 7 रुपए महीने के हिसाब से जो है पैसे मिलने लगे। तो ये थी उनकी कहानी शुरुआती। और आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत। जैसे कि आप जानते ही हैं कि वसंत देसाई जी के कई सारे गीत जो है राग रागिनियों पर आधारित हैं, तो ये है राग मालगुन जी पर आधारित बेहद खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम आप तो बखूबी जानते ही होंगे, तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा युगल गीत।
मेरा संगीत गाए कोयल तेरा ही गीत पतवार हम तुम चल दे दुनिया के पार दुनिया जैसे कि हमारे कई सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, ये थी फिल्म झनक झनक पायल बाजे का प्यारा सा गीत, प्यारा सा युगल गीत राग मालगुंजी में। इससे पहले कि आगे बढ़े, थोड़ी सी जो इस फिल्म के साथ और इसके म्यूजिक के साथ जो जुड़ी है कहानियां, किस्से कहिए या फिर वो बातें जो बतानी जरूरी है, वो ये है कि 1955 में ये फिल्म आई झनक झनक पायल बाजे, और शांताराम जी ने लगभग अपना सब कुछ मानो गिरवी रख दिया था, दांव पर लगा दिया था इस फिल्म के लिए, और उन्होंने वसंत देसाई जी को चुना था संगीत देने के लिए। और हुआ यूं कि शांताराम जी थोड़े परेशान से थे कि पता नहीं, मैं तो सब कुछ अपना दांव पे लगा रहा हूं, ये फिल्म कामयाब होगी भी कि नहीं। ऐसे में वसंत जी, जिनका दिल इतना बड़ा था, कहने लगे कि अगर आपको लगता है कि कोई और मकबूल संगीतकार जैसे नौशाद जी संगीत देंगे और ये फिल्म ज़्यादा कामयाब होगी, तो आप उनको संगीतकार बना दीजिए इस फिल्म का। तो इस तरह की शख्सियत थे वसंत देसाई जी। साथ ही साथ, जैसे कि आप जानते हैं, नाम से भी पता चलता है ये फिल्म था नृत्य पर आधारित, और नृत्य के साथ तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और संगीत दोनों का मेल था, इसलिए जरूरी था कि मौलिक और वास्तविक लगे जो भी बजाया जाए। और इसके लिए वसंत जी ने न जाने कितने ही कलाकारों को एकजुट किया, जगह जगह घूम घूम कर समता प्रसाद जी, पंडित समता प्रसाद को उन्होंने तबला बजाने के लिए राजी किया, बनारस से लेके आए। प्रसिद्ध खोल वादक सुदर्शन जी को कोलकाता से लेके आए। पखावज और संतूर बजाने के लिए बाकायदा दो बेहद मशहूर कलाकार रामदास जी और पंडित शिव कुमार शर्मा को लेके आए। तो इस तरह से उन्होंने न जाने क्या कुछ किया, और तब जाके इतने खूबसूरत धुन बने, इतना खूबसूरत फिल्म बना। तो लीजिए सुनिए एक और गीत इसी फिल्म का, राग देश पर आधारित। तो हर गीत के लिए मानो एक अलग ही राग चुना गया, और
हीरो की तरह जड़ेगा ये गीत। ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी, गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी, गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। कार्यक्रम है रेनबो रिवाइंड और आप हैं मेरे यानी आरजे अनीता के साथ। आज बातें हो रही हैं संगीतकार बसंत देसाई जी के बारे में, और जैसा कि हमारे कई सारे श्रोता बता रहे हैं कि उनका जो बहुत ही मकबूल गीत फिल्म गूंज उठी शहनाई का, जी हां, तेरे सुर और मेरे गीत राग बिहाग पर आधारित। और जब बात होती है गूंज उठी शहनाई की तो बात होती है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब की। जी हाँ, उन्होंने इस फिल्म में कई सारे टुकड़े बजाए शहनाई के, और जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं ये एक शहनाई वादक की कहानी थी। फिर से वास्तविकता मौलिकता लाने के लिए उन्हें बुलाया गया, और एक बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा है
कि किस तरह बसंत देसाई जी ने बिस्मिल्ला खान साहब के साथ काम किया और ये कोशिश की कि बिना उनके अहम को ठेस पहुंचे उनसे किस तरह काम लिया जाए। जी हां, हुआ यूं कि करीब 12 दिन तक रियाज किया गया, रिहर्सल की गई, वसंत देसाई जी हारमोनियम पर बजाते धुन और खां साहब जो हैं वो शहनाई पर बजाते। तो इस तरह रिहर्सल कर करके जब तय हो गया कि अब तैयार है रिकॉर्डिंग के लिए तो रिकॉर्डिंग शुरू की गई, लेकिन बिस्मिल्ला खां साहब ठीक से किसी वजह से बजा नहीं पा रहे थे। तो वसंत देसाई जी समझ गए कि जरूर कोई बात है, वे बजा नहीं पा रहे, लेकिन इतने बड़े कलाकार, तो इसीलिए उन्होंने किस चतुराई से बात को संभाला। सुनिए, उन्होंने जाकर खां साहब से कहा कि खां साहब बारिश भी हो रही है और हमारी जो रिकॉर्डिंग मशीन है उसमें खराबी है जिसके कारण हम ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, तो चलिए आज रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं और कल फिर से शुरू करेंगे। तो रिकॉर्डिंग उस दिन हो नहीं पाई। अगले दिन खां साहब ने बिल्कुल फॉर्म में आकर बिल्कुल अच्छी तरह से बजाया, जिस तरह बजाना चाहिए था, और बात फिर संभल गई और रिकॉर्डिंग लगभग एक हफ्ते तक चला। और उसके बाद खां साहब ने वसंत देसाई जी से कहा कि अगर उस रात आपने रिकॉर्डिंग कैंसिल नहीं की होती तो मैं उसी दिन बनारस जाने की सोच रहा था, क्योंकि मुझसे बज ही नहीं पाया और फिर मैंने बहुत रियाज किया और तब जाके अगले दिन मैंने अपने अंदाज में और अच्छी तरह से मैं बजा पाया। तो ये थी उनकी चतुराई और किस तरह से उन्होंने खां साहब के साथ काम किया। तो लीजिए सुनिए तेरे सुर और मेरे गीत, राग बिहाग पर आधारित, और ये वो धुन है जो खां साहब अक्सर अपने रिसाइटल्स में, अपने कॉन्सर्ट्स में ज़रूर बजाया करते थे, क्योंकि उसी से उन्हें काफ़ी शोहरत मिली थी और लोग इस धुन से भी उनको पहचानते थे। मेरे
खींच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जी, दोनों मिलकर बनेगी पी, तेरे सुर और मेरे चले, हम दोनों की प्रीत पले, टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले, टिम 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 शबनम की परछाइयाँ, दूर परियां बजाती हैं शहनाइयाँ, चांद किरणों की जाली पहन झूमता चांदनी ले रही, देखो अंगराइयाँ, टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत परे, हर दिशा में नई रागिनी, आज मन है मगन, धूम की प्रीत है, टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले, टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मौसी का गीत। तो आपने देखा कि इस रुमानी अंदाज का ये हल्का फुल्का सा गीत भी खूबसूरत हो गया। और कहते हैं कि वसंत देसाई जी जो हैं वो लफ्ज़ों को लेकर धुन बनाया करते थे। अमूमन धुन पहले बन जाती है और फिर लफ्ज़ उस पर लिखे जाते हैं, लेकिन वसंत देसाई जी उल्टा करते थे, यानी पहले लफ्ज़ बनते लिखवा लिए जाते थे और फिर धुन बनाई जाती थी। कहते हैं कि वे इन्हीं, यानी ये जो पहले मुखड़े के जो तीन शब्द टिम टिम टिम, इसे लेकर लगभग 5 दिन जूझते रहे, अलग अलग अंदाजों में गाते और सोचते कि कौन सा धुन अच्छा रहेगा, और तब जाके उन्होंने इस धुन को तय किया। तो ये समझ में आता है कि कितनी मेहनत किया करते थे, कितने इन्वॉल्व होते थे अपने काम में। और कुछ और बातें जो उनके संगीत तैयार करने का जो तरीका था उससे जुड़ी बातें बहुत दिलचस्प, ये कि उन्होंने वास्तविकता लाने के लिए कितना कुछ किया।
आपको मालूम होगा कि डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी जो शांताराम जी ने बनाई थी उसका म्यूजिक बसंत देसाई जी ने दिया था, और चूंकि चीन की कथा वस्तु थी तो इसीलिए उन्होंने चीनी संगीत के कई सारे तत्व उसमें जोड़े। और साथ ही ऐसा भी होता है कि अगर फोक म्यूजिक पर आधारित कोई गीत हो तो उसमें फोक इंस्ट्रूमेंट्स लेके आना, तो गूंज उठी शहनाई हो या झनक झनक पायल बाजी, उसमें क्लासिकल म्यूजिक और डांस से जुड़ा क्योंकि वो विषय था तो इसलिए उस तरह का संगीत बनाया। और जहां तक सवाल है ये अगले गीत की जो कि दो आंखें बारह हाथ से है, तो ये वो गीत नहीं है जो आम तौर पे बजाया जाता है, ये बिल्कुल अलग गीत जो कि कम बजता है, जिसमें मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और एक तरह से मानो लता जी रिसाइट कर रही हैं और फिर जो है नाचना शुरू होता है फिर से रेसिटेशन की तरह, तो एक अलग ही अंदाज में उन्होंने इस गीत को पेश किया है। तो लीजिए सुनिए, तो आप निराश ना हो कि मैंने वो गीत नहीं बजाया जो अमूमन बजाया जाता है, सोचा एक नया अंदाज, एक ऐसा गीत जो बेहद खूबसूरत और अलग बनाया गया इस फिल्म में। आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना, तक तक धम धम 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 रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी, गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी, गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात
दो बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर म्यूजिकली योर्स। आप है मेरे यानी आरजानिता के साथ कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड और बातें हो रही हैं वसंत देसाई साहब के संगीत की। तो एक और गौर करने वाली बात ये उनके बारे में जो बहुत कम संगीतकारों ने जिस पे ध्यान दिया वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हाँ, जब फिल्म बनती है तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि गीत, लेकिन कई बार इस पे तवज्जो नहीं दिया जाता क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि गीत अच्छे बनेंगे तो शायद फिल्म चल जाए, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक से क्या होगा। लेकिन वसंत देसाई जी ने इस पर भी मानो अपनी अमिट छाप छोड़ी और आप यकीन शायद नहीं करेंगे कि उन्होंने इस तरह की निपुणता हासिल की कि कई फिल्मों में सिर्फ उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया है। जी हाँ, फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कोई और होते थे लेकिन उन्होंने करीब 12 फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। आप जब फिल्म देखें तो जरूर क्रेडिट्स पे ध्यान दें, चाहे वो सुबह का तारा हो या फिर परछाई, जहां पर दो अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स यानी एक सी रामचंद्र और एक पंडित शिवराम कृष्ण, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर दिया इन्होंने यानी वसंत देसाई जी ने। और ये भी गौर करने वाली बात है कि गीत गाए पत्थरों ने जब बना तब तक शांताराम जी से वे अलग हो चुके थे। क्या अनबन हुई ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन वे साथ काम नहीं कर रहे थे। फिर भी शांताराम जी ने उन्हें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने के लिए गीत गाया पत्थरों में आमंत्रित किया। तो ऐसा रिश्ता भी था उनका कि शांताराम जी को वो बहुत मानते थे। वो मानो सोचते थे कि प्रभात और बाद में राजकमल उनका गुरुकुल था और शांताराम जी उनके गुरु। जो भी वो जिंदगी में बने, जो कामयाबी हासिल की, उसका श्रेय वे अवश्य शांताराम जी को ही देते थे। जो कई साल उन्होंने संघर्ष के बिताए और किस तरह उन्हें तराशा गया, तो इस सब का श्रेय वे शांताराम जी को ही देते थे। बहरहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम आशीर्वाद। एक था बचपन छोटा सा नन्हा सा बचपन। एक था बचपन, बचपन के
था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन। ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी, गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी, गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 एफएम रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। जी हाँ, कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनीता के साथ। अगर आपको कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रतिक्रिया देनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, यानी 8657661071, और आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स पर भी फ़ोन कर सकते हैं 022। अगर आप मुंबई के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं एसटीडी कोड ज़रूर लगाएं, और नंबर है 2281578787 और 2281578789। बहरहाल चलते हैं फिर से वसंत देसाई के संगीत की ओर। और एक और उनकी जो खासियत रही वो ये कि नए नए संगीत का, नए नए टैलेंट्स को, प्रतिभाओं को उन्होंने जो है मौका दिया काम करने के लिए, जैसे कि वाणी जयराम जी। गुड्डी फिल्म जो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि उसके भी गीत बजेंगे, जी हाँ, बैक टू बैक दोनों गीत मैं बजाऊंगी वाणी जयराम जी की आवाज़ में। एक मियाँ की मल्हार राग पर आधारित, और दूसरा जो दूसरी जो प्रार्थना है वो कई सारे बच्चों ने अपने स्कूल में सीखा होगा। और आपको ये भी बता दूँ कि एक तीसरा भी गीत था वाणी जयराम जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, मीरा का भजन था, लेकिन किसी कारणवश इसे फिल्म में नहीं रखा गया। वो भी उतना ही मकबूल, इतना ही प्यारा गीत था। तो बहरहाल सुनिए वाणी जयराम जी की आवाज़ में ये दोनों गीत आपके लिए फिल्म गुड्डी से। बोले रे
जी हाँ, ये दोनों ही गीत फिल्म गुड्डी के, जिसे कई सारे श्रोताओं ने कहा कि बजाइए प्लीज, और है भी ये इतने खूबसूरत कि बजने ही चाहिए थे। बहरहाल जो वसंत देसाई जी की मौत हुई, वह बेहद दर्दनाक और अजीबोगरीब तरीके से हुई, उन्हीं के घर के लिफ्ट में। तो लिफ्ट में न जाने क्या खराबी आ गई कि वे उसी के नीचे दबकर अंतिम सांस लेकर इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन न जाने कितने प्यारे गीत छोड़ गए। महज 63 यानी 63 की उम्र में उनका निधन हुआ 1975 में, और ऐसे महान संगीतकार बहुत कम ही बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा।